हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आईपीएल यूनिवर्स गेम विद अजय। अगर आप यदि आप क्रिकेट को थोड़ा सा भी पसंद करते हैं तो अगर आपको क्रिकेट की वीडियो देखना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पुराने सब्सक्राइबर जानते हैं कि यहाँ पर आईपीएल मैच की टूर्नामेंट चला हुआ है, परंतु यहाँ पर हम अपने नए सब्सक्राइबर तथा नए व्यूअर को बता दें कि यहाँ पर हम आईपीएल यूनिवर्स चला हुआ है जिसमें 60 टीमों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। अब देखना यह है कि इन 60 टीमों में से ट्रॉफी किसके नाम होती है। इसकी पहली सीरीज बन चुकी है जिसमें मुंबई इंडियंस बिटवीन हैदराबाद के बीच सुपर हिट हमने मैच देखा था, जिसमें मुंबई इंडियंस ने हैदराबाद को 2 विकेट से मैच जीत लिया था। काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच था, अगर आपने वो मैच नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कि मैच की स्टार्ट करते हैं, यह दूसरा मैच है जो मुंबई इंडियंस और सुपर किंग के बीच में होने वाला है। बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। आज की वीडियो में कमेंट्री मजेदार होने वाली है, तो अगर आप तक अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कीजिए। अमेजिंग एंड सुपर हिट वीडियो में आज की वीडियो में हम कमेंट्री करने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग एंड मुंबई के बीच में होने वाले दूसरे आईपीएल मैच की। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और की पहली गेंद फेंक चुके हैं राइट हैंड के बैट्समैन चेन्नई सुपर किंग के, और की दूसरी बॉल को सम्मान के साथ यहाँ पर रुका है और ये बॉल नो गेंद निकलती हुई। रोहित शर्मा स्टार्टिंग बिल्कुल अच्छी करते हुए नजर आ रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग की तरफ से गेंदबाज ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया था यॉर्कर डालने का, और फ्री हिट गेंद है, देखना इसका क्या करते हैं। और रोहित शर्मा ने फ्री हिट गेंद को भी सम्मान दिया। आज रोहित शर्मा आक्रामक मूड में नहीं नजर आ रहे हैं, 3 गेंदें बिल्कुल आराम से खेल चुके हैं। ऐसी सिचुएशन में टीम का मनोबल थोड़ा सा डिक्रीज होता है, क्योंकि हम जानते हैं बैटिंग आर प्ले ही टीम के लिए मायने रखते हैं। इस आर प्ले में ही आप जितने चाहे उतने रन बना सकते हैं, और पहला ओवर मात्र 3 रन आए हैं इस ओवर में अभी तक। लास्ट गेंद खेलेंगे केवड़ी राइट हैंड के बैट्समैन, ऑफ स्टंप पे गेंद डाली है, उसे लेग स्टंप पे हल्के हाथों से पुश किया है और ये पॉइंट ढूंढने में काफ़ी सक्षम हुए हैं, और यहाँ पर 4 रन मिलते हुए मुंबई इंडियंस को। तो जो ओवर डिक्रीज हो रहा था, जिस ओवर का लेवल डिक्रीज हो रहा था, वो ओवर के लेवल को यहाँ पर इंक्रीज करते हुए नजर आए हैं। 7 रन ओवर में आ गए हैं। मुंबई इंडियंस को एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि अगर उन्हें बड़ा टारगेट सुपर किंग को देना है तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा रन बनाने होंगे। और लास्ट गेंद ओवर के इसे उठाकर खेला है और ये 6 रन आते हुए मुंबई इंडियंस की टीम। काफ़ी बढ़िया शॉट, रुके गेंद का इंतजार किया, और जैसे ही गेंद कीपर के हाथों में एम एस धोनी के हाथों में जाने वाली थी, उसे उसी वक्त सुपर हिट अंदाज में पवेलियन से बाहर का रास्ता दिखाते हुए काफ़ी ऊंचा, काफ़ी खूबसूरत 60 मीटर का ये शॉट लगा है, और इसके साथ स्कोर बोर्ड पर 14 रन अंकित होते हुए। तो पहला ओवर अच्छा ओवर कुल मिलाकर कहा जा सकता है। अगर आपको कमेंट्री अच्छी लग रही है तो आप लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। और अब लगता है रोहित शर्मा की बारी आ गई है। पहली ही गेंद को मैक्सिमम देते हुए यहाँ पर रोहित शर्मा मैक्सिमम 6 रन पहली गेंद पर ताबड़तोड़ छक्का लगाकर यह साबित कर चुके हैं रोहित शर्मा की ये ओवर किस लेवल का ओवर होने वाला है। और देखिए एमएस धोनी ने यहाँ पर दूसरा ही ओवर स्पिनिंग अटैक कर दिया है। यहाँ पर पहला ओवर काफी अच्छा निकला था तो एमएस धोनी को फास्ट ओवर ही रखना चाहिए था, परंतु यहाँ पर स्पिनिंग अटैक कर दिया है। तो जडेजा की ये दूसरी गेंद, और ये गेंद काफी खूबसूरत गेंद है, यॉर्कर डालने का प्रयास था जडेजा का, परंतु उसे फिर से वही रास्ता दिखाते हुए जो पहली गेंद को उन्होंने सम्मान दिया वही दूसरी गेंद को सम्मान देते हुए। और मुंबई इंडियंस, जैसे ही मैं पहले ही कह रहा था कि अगर कुछ अच्छा स्कोर यहाँ पर अंकित करना है तो यहाँ पर चौके छक्कों से ही बात करनी होगी।
जैसे कि हम पहले जानते हैं कि मुंबई इंडियंस जो स्ट्राइक रोटेट कम ही करती है, चौके छक्के से ही ज़्यादा बात करती है, और यहाँ पर बैक टू बैक दो छक्के यहाँ पर रोहित शर्मा लगा चुके हैं, और ये ऑफ स्टंप पर डालते हुए ये बार बार यॉर्कर गेल यहाँ पर डाल रहे हैं जडेजा, और तीन के तीन गेंदों को ऑफ स्टंप में कवर के ऊपर से मैक्सिमम छक्के देते हुए यहाँ पर रोहित शर्मा तीन हैट्रिक लगा चुके हैं छक्कों की यहाँ पर। पहला छक्का 60, दूसरा 61 और ये फिर से 64 मीटर का लगता है छक्का यहाँ पर रोहित शर्मा ने लगाया है। जिस अंदाज से गई है गेंद, शायद 64 या 61 के अंदर ही होगा, ये काफी खूबसूरत शॉट है, अमेजिंग टाइमिंग रोहित शर्मा। देखिए जडेजा भी उसी लेवल में, मतलब उसी एरिया में अपनी गेंदबाज करा रहे हैं, यहाँ पर तीन छक्के लगा चुके हैं, चौथी गेंद बिल्कुल सेम, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैच रुक गया हो, एक गेंद को ही हम बार बार रिप्ले कर रहे हो, चार गेंदे बिल्कुल चार की चार, एक ही दिशा, एक ही टाइमिंग और एक ही शॉट यहाँ पर देखने को मिला है। देखिए जडेजा भी बार बार छक्के लगने के बावजूद भी उसी एरिया में गेंद करा रहे हैं, जैसे कि मतलब कुछ सोच रहे हूँ कि हमें कुछ यहाँ पर मिल जाए। काफी खूबसूरत गेंदबाज जडेजा जाने जाते हैं, अपनी गेंदबाजी के लिए परिचित हैं, और ये गेंद बैट्समैन को विचलित कर ही दिया, आखिर जो रोहित शर्मा चाहते थे वो नहीं हो पाया है, और जडेजा अपनी चाल में सक्षम होते हुए चार गेंदे वहां पर बैक टू बैक उन्होंने इसी एरिया में कराई है, और काफी अच्छे यहां पर रोहित शर्मा शॉट लगाने में सक्षम हुए हैं, परंतु यहां पर जडेजा उन्हें अपने शिकार में फंसने में कामयाब होते हुए, क्योंकि जानते हैं जडेजा, क्योंकि ये जडेजा पूरी चेन्नई सुपर किंग जानती है कि अगर हमने रोहित शर्मा को रोक लिया तो टीम में बढ़ोतरी हमने पा ली है, और पता नहीं आज मुंबई इंडियंस क्या सोच रही है बैटिंग में परिवर्तन करते हुए हार्दिक पांड्या को क्रीज पर।